बता देना कमेंट्स में ढंग से कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ आप लोगों को पिछला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज देखो क्या टाइम हो रहा है, 4:55 हो रहे हैं और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में ऊपर, तो तब मिलते हैं। आज देखते हैं उड़ानी या नहीं उड़ानी, पर चलो ऊपर मिलते हैं। शायद जाएंगे आज ऊपर, क्योंकि थोड़ा हो गया कोई चक्कर। तो गाइस, अभी हम अकेले जा रहे हैं छत पे पतंग उड़ाने। शीरो को नहीं ले जा रहे क्योंकि छत गंदी है हमारी, साथ वाली पे नहीं जा सकते, मना हो चुका है हमारा किसी रीज़न से। और अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मिलते हैं पतंग उड़ाते हैं। तो गाइस, अभी हम पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो उड़ ही नहीं रही, हवा ही नहीं चल रही, क्या करें। उड़ती है तो उड़ा लेते हैं, नहीं उड़ेगी तो हम नीचे चले जाएंगे। क्योंकि शीरो तो आया है नहीं, आज नहीं आया शीरो क्योंकि नहीं लाए, समझ सकते हो। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पड़ी पतंग हमसे नहीं उड़ रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी हम नीचे चले जाएंगे, अभी 5 मिनट वेट करूँगा बस, उसके बाद मैं चला जाऊँगा नीचे। बाढ़ में गई पतंग, कल वापस आ जाएंगे अगर हवा चल रही होगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है, बस बादल आ गए हैं, हवा चल नहीं रही है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। हमने कर लिया 5 मिनट वेट, अभी हम नीचे जा रहे हैं, बहुत हो गया। आज पराठा केक बना है, किसी का ऑर्डर है, उसके बाद जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले कमेंट्स में वापस आज भी बता देना कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बता देना कमेंट्स में ढंग से कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना ये केक, कमेंट्स में बता देना। पिनाटा केक, ओ ये देख, ये तो ये पंगे लेगा, पंगे ले, पंगे लेगा भाई, पंगे ले रहा है, पंगे लेगा, मोटू मोटू पंगे ले रहा है, पंगेबाज कुत्ता, पंगेबाज डॉग, पंगेबाज डॉग, पंगेबाज डॉग, मेरे हाथ का हाल देगा। ये देखो, देखो पंगे ले रहा है, पंगे ले जा रहा है, ये देखो मेरे हाथ का क्या हाल किया है, ये देखो क्या हाल किया है मेरे हाथ का, काट काट के टीदर समझाऊंगा मेरे हाथ का, हैं मेरा हाथ टीदर है गाइस। ये देखो हरकतें कर रहा है अपने केज से, इसका स्टोर रूम बना हुआ है। ये देखो क्या करेगा, पंगे ले जा रहा है हमसे, पंगे ले रहा है उससे नहीं, गुस्सा निकाल रहा है ना शीरो, गुस्सा निकाल रहा है, गुस्सा निकाल रहा है मोटा। और भाई मोटे गुस्सा किस पर निकाल रहा है, देख तोड़ फाड़ दी पूरी पूरी लीच फाड़, पूरी हार्नेस तोड़ दी, हार्नेस है तोड़ दी, किसी और को दे देते क्या है, तोड़ी भी क्या करता है शीरो, तुम तो एकदम बदतमीज डॉगी हो चुके हो एकदम। गाइस एक और आउट, दो आउट हो गए सीएसके के, नहीं नॉट आउट, इसने अपना ग्लव्स मारा है यहाँ पे, नॉट आउट, देखा नॉट आउट हो गया, उसको विकेट उखाड़ के मारनी थी, विकेट उखाड़ के बॉल मारनी थी तो आउट हो गया, इसलिए नॉट आउट हो गया इसलिए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 86/1, 9.3, मोइन अली की 50 हो चुकी है, डुप्लेसी की 20 और 30। फिर क्या,
गाइस ये अनएक्सपेक्टेड MI के विन को देखने के बाद और इतनी कैचें छोड़ी ना, मतलब मैं तो CSK की तरफ था ऑब्वियसली, और ये जो डुप्लेसी ने पोलार्ड की कैच छोड़ दी और इतनी वाइड डाली शार्दुल ठाकुर ने और मिस फील्ड करी जडेजा ने, मेरा तो मन ही हट गया भाई। CSK का इतना बढ़िया टारगेट दिया CSK ने, कुछ फ़ायदा नहीं था उसका, मैं क्या करूँ। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखने का मैच, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। कोई नहीं, तो गाइस होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय।